एकदम तुझे परफेक्ट क्लास। आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी 10 मैथ्स चैप्टर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें जो 4.1 एक्सरसाइज दे रखी है, इसका क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण हमें बताना है ये है या नहीं, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड, दोनों को सोल्व करके बताया करेंगे कौन सा क्वेश्चन द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ दे रखा है एक्स प्लस वन ब्रैकेट में स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू टू ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री ब्रैकेट वन। सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये सब दे रखा है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, अलजेब्रा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को बताना पड़ेगा। फिर तो यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी यूज हो रही है, तो यहाँ पर x प्लस वन है ब्रैकेट में स्क्वायर, तो सेम चेंज कर लेंगे, हम ये लेंगे x प्लस वन स्क्वायर, तो ये चेंज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस वन। तो यहाँ पर इसकी जगह हम ये संख्या लेंगे, ये पूरे समीकरण को लेंगे, तो इसकी जगह ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। उसके बाद यहाँ था टू एक्स टू ब्रैकेट में एक्स माइनस थ्री ब्रैकेट वन, इनका मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना इसका और इसका दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू का एक्स में होगा और टू का थ्री में भी मल्टीप्लाई होगा। देख लेते हैं इसका मल्टीप्लाई करने में, सेम नंबर और टू का एक्स में करेंगे, टू एक्स और टू का थ्री में करेंगे, टू थ्री जा सिक्स। अब ये जो नंबर है 2x माइनस सिक्स, इन दोनों संख्याओं को बराबर किस तरह अपलाएंगे, बाकी संख्या आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, यहाँ ये संख्या 2x, यहाँ प्लस में थी इधर आएगी तो माइनस में आएगी, 2x प्लस ये माइनस में था इधर आके प्लस हो गया और प्लस वन बराबर जीरो, कुछ भी नहीं बचा था यहाँ जीरो मिल गया। अब एक्स स्क्वायर और टू एक्स में से टू एक्स माइनस करेंगे तो जीरो बचेगा और सिक्स और वन सेवन, तो ये बच रहा है, ये तो माइनस हो गया, यहाँ बच रहा है सेवन बराबर जीरो। तो यहाँ पर हमसे पूछा था द्विघात समीकरण है नहीं, तो यहाँ पर स्क्वेयर आ रहा है एक्स स्क्वेयर, तो जब भी एक्स स्क्वेयर आ जाए एक्स स्क्वेयर, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ द्विघात समीकरण है। तो आंसर देंगे समीकरण है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, हमें पता चल गया कि ये समीकरण जो हमारा समीकरण है ये द्विघात है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड सेकेंड इसी भी सॉल्व करेंगे, यस ये तो सही रहेगा 2x बराबर, अब यहाँ पर माइनस टू ब्रैकेट में ले रखा तो मल्टीप्लाई होगा, थ्री में भी होगा और एक्स में भी होगा, तो इसका थ्री में होगा उसका एक्स में भी होगा, दोनों जगह होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कर लेंगे माइनस टू का थ्री करेंगे तो टू थ्री जा सिक्स, माइनस का था माइनस आ गया, अभी भी माइनस सी भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर टू का एक्स में करेंगे टू एक्स। अब इन दोनों संख्याओं को बराबर किस तरफ लाएंगे, एक्स स्क्वेयर अब ये माइनस टू एक्स, यहाँ प्लस में था इधर आके माइनस में आ गया, बराबर किस तरफ आया तो माइनस में आ गया, और ये माइनस में था यहाँ माइनस था इधर आके प्लस बराबर जीरो। अब एक्स स्क्वायर ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस का ये माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो संख्याएं प्लस हो जाएगी, फोर टू फोर एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है और फोर एक्स आ रहा है, ये जो स्क्वायर वाली संख्या है, ये जो संख्या आ रही है हमारे, तो ये बताती है कि यहाँ द्विघात समीकरण है। इसका आंसर देंगे समीकरण, ये हमारे दोनों क्वेश्चन में समीकरण द्विघात है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है याला और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हमारा दोनों आंसर आ रहा है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।